भारत और चीन अब पूरी तरह आमने सामने खड़े। पूर्वी लद्दाख में मई से पैदा हुई तनातनी के बाद भारत को न सिर्फ अपनी चीन नीति बल्कि उसके मद्देनजर अपनी रक्षा नीति पर नए सिरे से सोचना पड़ा है। चीन के साथ कई दौर की वार्ताओं के बावजूद जब पूर्वी लद्दाख का मसला अभी नहीं सुलझता दिख रहा है तो भारत एक एक कर अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने वाला कदम उठा रहा है। अब चीन सीमा पर विवाद के बीच मिसाइलों से लैस 10 हेरॉन ड्रोन को तैनात करने का फैसला लिया गया है। लद्दाख में भारतीय सेनाएं चीन के खिलाफ टैंक से लेकर लड़ाकू विमान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही हैं और इसी कड़ी में अब हेरॉन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। बिना सैनिक के दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए हेरॉन ड्रोन्स को एंटी टैंक मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया जा रहा है। भले ही सरहद पर इस वक्त चीन के साथ बातचीत चल रही हो लेकिन भारतीय सेनाएं छोटे और बड़े किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज तक के सूत्रों ने कहा है कि 100 हेरॉन ड्रोन की तैनाती के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के सामने रखा जाएगा क्योंकि इससे मानव रहित सिस्टम से हमला करने की क्षमता बढ़ती है। प्रस्ताव में ड्रोन को लेजर गाइडेड बमों, लंबी दूरी से हवा से जमीन पर मार कर सकने वाली मिसाइलों और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस करने की बात कही जाएगी। हेरॉन ड्रोन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का बनाया हुआ यूएवी है। यूएवी यानी कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल। अगर हम इसकी क्षमताएं देखें तो ये 33,000 फीट तक इसकी ऑल्टीट्यूड तक ये जाने की क्षमता रखता है। अगर इसका हम स्पीड देखें तो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड इसकी 110 से 150 किलोमीटर पर आर वाली स्पीड पकड़ लेता है और मैक्सिमम स्पीड देखें तो 200-210 किलोमीटर पर आर तक इसकी स्पीड ये अपना पकड़ सकता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी रेंजेस देखें तो रेंज अगर देखें तो ये 250 से 300 किलोमीटर का इसका रेंज है और साथ ही साथ अगर एक रिले लिंक लगाया जाए तो रिले लिंक से इसका डबल होकर ये 450 से 500 किलोमीटर हो जाता है और साथ ही साथ अगर सैटेलाइट लिंक लगाएं तो सैटेलाइट के लिंक के साथ इसकी क्षमता 1000 किलोमीटर तक का इसका रेंज हो जाता है। मिसाइलों से लैस हेरॉन ड्रोन को तैनात करने का प्रस्ताव कई वर्षों से अटका पड़ा है लेकिन सूत्रों ने कहा कि शत्रुतापूर्ण माहौल के मद्देनजर इस पर गंभीरता दिखाई गई। हेरॉन ड्रोन पहले से वायुसेना, नेवी और सेना के पास है। लद्दाख सेक्टर में सेना और वायुसेना दोनों इसकी मदद से निगरानी करने का काम कर रहे हैं। अब सरकार से मिली आपात खरीद की मंजूरी के बाद इसराइल से हेरॉन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की नई खेप भी मंगाई जा सकती है। हमारे दोनों पड़ोसी अक्सर भारत को हैरत में डालने वाले कारनामे करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान तो हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर करता ही आया है और अब चीन भी लगातार एलएसी पर मौजूद है। ऐसे में इन पर नजर बनाए रखना और साथ साथ सरप्राइज एलिमेंट भी बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर अटैक की कैपेबिलिटी होना भारत के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह भी है कि ड्रोन चूंकि अनमैंड होते हैं इसलिए हमारे अपने फौजी या पायलट की जान को सीधा खतरा भी नहीं होता है और मिशन भी पूरा हो जाता है। चीन से विवाद के मद्देनजर सीमा पर खुद को मजबूत रखना भारत की जरूरत बन गई। न सिर्फ लद्दाख सेक्टर बल्कि पूरी एलएसी पर भारत की निगरानी बढ़ी है। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल रविवार को उत्तराखंड में चीनी सरहद के फॉरवर्ड पोस्ट पर 4 दिनों के दौरे पर गए। अपने दौरे में आईटीबीपी के डीजी लपथल रिमखिम नेलांग घाटी के बॉर्डर आउट पोस्ट समेत दर्जन भर पोस्ट का दौरा करेंगे। आईटीबीपी सूत्रों के मुताबिक इन सर्दियों में आईटीबीपी को पूरे तरीके से अलर्ट और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसी सतर्कता की वजह यह है कि चीन पूर्वी लद्दाख में उकसावे वाली हरकत से बाज नहीं आ रहा। पेंगोंगसो और देपसांग में बनी स्थिति को लेकर शनिवार को दौलत बेगोल्डी इलाके में चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्र में भारत और चीन के सैन्य अफसर मिले। 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल अभिजीत बापट ने भारत के दल की अगुवाई की थी लेकिन इस बातचीत के बाद भी कोई सकारात्मक पहल होने की खबर नहीं आई है। इससे पहले कोर कमांडर स्तर की वार्ताओं में चीन गलवान घाटी में तो पीछे हट गया लेकिन पेंगोंग के इलाके में उसकी ओर से अड़ियल रुख लगातार कायम है।
चीन के साथ ये स्थिति अगर बनी रही तो सर्दियों के मौसम में भारत की चुनौती बढ़ सकती है, इसलिए भारत खुद को सीमा सुरक्षा में और सक्षम करने की कोशिशों में लगा हुआ है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।